अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। जैसे एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते थे, कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, क्या कहते थे, राम हुए ही नहीं। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी 24 को आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना गर्व के साथ न फूला हो। सबने इस बात का एहसास किया है, ये नया भारत है, जो बोलता है वह करता है और जितना जितना करता है उतना ही बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं, इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग, बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे चार करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है।